फ्रॉम कनॉज डाइट। बिफोर आई स्टार्ट माई टॉपिक आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू SCERT फॉर गिविंग मी अ चांस टू कंडक्ट दिस ऑनलाइन क्लास। द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टूडे दैट इज लैंग्वेज गेम्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू वॉट आर द थिंग्स वी विल डिस्कस टूडे। That is learning outcomes, then what is language game, what are the objectives of language game, there are different types of language games, and what is the role of teacher while conducting the language game in the class. So let's start this topic with the learning outcomes. Learning outcomes, see here, students are able to create a meaningful context for language game. To interact and communicate, use English effectively for study purpose across the curriculum, communicate appropriately in real life situation. Actually students, when we start teaching in the class, we have to focus more on the outcomes. जब भी हम कोई विषय क्लास में पढ़ाते हैं सबसे पहले हमें उसके आउटकम्स पर फोकस करना होता है कि अगर हम क्लास अपनी लैंग्वेज चला रहे हैं तो उसके बाद उसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, क्या बच्चे वाकई में वहाँ तक पहुँच पाएंगे जो एक ऑब्जेक्ट हमारा है, जो हमारा एक उद्देश्य है। यहाँ पर अगर हम लैंग्वेज क्लास कंडक्ट करते हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्ट होंगे या हमारा जो एक उद्देश्य, हमारे जो शिक्षण संप्राप्ति होगी वो ये होगी कि बच्चे जो है ये समझ सकेंगे कि क्रिएट अ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट फॉर द लैंग्वेज गेम। गेम इज जस्ट नॉट फॉर ए फन, दे कैन अंडरस्टैंड द reality, they can understand their meaningful way of learning. And another thing, interact and communicate. वहाँ पर जब class conduct होने के बाद means outside the class, they can communicate. वो बात कर पाएंगे उस target language में, interact हो पाएंगे अपने friends से या किसी और outsiders से। तो this is the main outcome of this. Another, use English effectively for study purpose across the curriculum. Languages or games, when we are conducting games in the class, it's just a part of curriculum. But now the area of curriculum has been widened. अब हम ये नहीं कह सकते कि games सिर्फ एक curriculum का part है, बल्कि हम उसको use कर रहे हैं study purpose से. And the lastly, communicate appropriately in real life situation. उसको real life में जोड़ना उतना ही ज़रूरी है, और जब हम लैंग्वेज गेम्स क्लास में करने कराएंगे तो बच्चे में जो एक क्षमता डेवलप होगी वो होगी कि वो उसको रियल सिचुएशन में बोल पाएगा। नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स आर बेसिकली कंडक्टेड इन लोअर क्लासेस। दिस इज परफॉर्म्ड मेनली बिकॉज द स्टूडेंट्स माइट फील बोर्ड स्टडिंग वोकैबुलरी थ्रू एन academic procedure. Thus, by playing language games, the student studies different usage of languages without using a traditional format of studying, that is by using a textbook. ऐसा कहा जाता है और ये सही भी है कि language classes जो हमारी होती हैं they are related to the games. अगर language games जो हैं वो lower classes के लिए ही beneficial हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बोर हो जाते हैं थोड़ी देर, वो अपना उनका कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसके बाद उनको दे गेट टायर्ड, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है स्पेशली फॉर द लोअर क्लास। दे विल लर्न मैनी, दे कैन लर्न द वोकैबुलरी थ्रू द लैंग्वेज गेम्स। अगर हम उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में क्लास में लैंग्वेज क्लास करा रहे हैं थ्रू द गेम्स, तो यहाँ पर बच्चे की वोकैबुलरी स्किल डेवलप होती है। इसके साथ साथ क्या है कि दे ट्रेडिशनल मैथड, this language game method is quite different from the traditional method as we studied during our time. We were simply studying the books only, not having any activities. But this form language games we are conducting in the class, it means many activities are there, and these activities they are helpful to the students for learning, jo unki learning mein unki madad karegi, wo bahut kuch sikhenge is language game ki activities ke dwara, जो शायद वो टेक्स्ट बुक से इतना ना सीख पाए। टेक्स्ट बुक एक पार्ट है स्टडी का, लेकिन जो लैंग्वेज गेम के द्वारा क्लासेस होंगी उसमें उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा विकसित होगा। ओके, नाउ सी द बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज गेम्स। फर्स्ट है इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन्स दैट इज कनेक्टेड विद द इमोशंस
और फीलिंग्स चाइल्ड डीपली इन्वॉल्व इन इट, जहाँ पर गेम्स लोअर द इफेक्टिव फिल्टर, दे इंक्रेज क्रिएटिव एंड इन स्पॉन्टेनियस यूज ऑफ लैंग्वेज. गेम्स आर बोथ मोटिवेटिंग एंड फन. ड्यूरिंग लैंग्वेज गेम स्टूडेंट्स बिकम मोर एक्टिव, मोर क्रिएटिविटी. लोअर फिल्टर एक्टिविटी का मतलब है कि मेक श्योर, टीचर शुड मेक श्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स दे आर फ्रेंडली विथ ईच अदर. क्योंकि अगर बच्चे फ्रेंडली नहीं होंगे, जब तक छोटे छोटे क्लासेस में क्या होता है कि हम बच्चों को जब बोलने का मौका देते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं. वो क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि दे आर हैविंग हेजिटेशन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर वी स्टार्ट दिस लैंग्वेज गेम क्लास वी शुड मेक दैम फ्रेंडली विथ ईच अदर सो दैट दे कैन स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन. दूसरा, उसमें इनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है, साथ ही साथ दे हैव कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस दे कैन. एंड गेम्स आर बोथ मोटिवेटिंग एंड फन, यानी कि गेम्स में मोटिवेशन तो है ही, फन भी है. फन तो हमेशा ही रहा, कहा गया कि गेम्स दे आर फुल ऑफ फन एंड एंजॉयबल, लेकिन एक प्रेरणा बनती है, उनको सीखने के नए नए अवसर मिलते हैं, वो नए तरीके से सीख रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है. नाउ नेक्स्ट इज कॉग्निटिव. कॉग्निटिव इट इन्वॉल्व्स कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी सच एज थिंकिंग, रीजनिंग और रिमेम्बरिंग. गेम्स रीइंफोर्स लर्निंग. गेम उनकी के द्वारा जो है उनकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सुदृढ़ हो जाती है, बहुत अच्छे से वो चीज़ को सीख पाते हैं. वो एक परमानेंट लर्निंग हम कह सकते हैं उसको एक तरीके से. दे बोथ रिव्यू एंड एक्सटेंड लर्निंग. गेम्स फोकस ऑन ए ग्रामर इन ए कम्युनिकेट मैनर, यानी कि जब वो सीख रहे होते हैं तो साथ साथ उनका एक रिविज़न भी चल रहा होता है, वो रिवाइव करते हैं, वो उसको परमानेंटली वो उसको याद रख लेते हैं और वो कम्युनिकेट मैनर तो उनका डेवलप हो ही जाता है. क्योंकि ग्रामर को जब हम पढ़ते हैं तो शायद हम उतना सीख नहीं पाते हैं, लेकिन जब ग्रामर एक प्रैक्टिकल वे में हमको सिखाई जाती है एक गेम्स के द्वारा, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत कारगर होती है, हम बहुत अच्छा सीखते हैं और वो हमारी लाइफ लॉन्ग के लिए हमारी लर्निंग होती है. तो इसलिए लैंग्वेज गेम्स जो हैं बहुत बेनिफिशियल होते हैं अगर हम उनको, ग्रामर्स को भी हम गेम्स में कन्वर्ट कर दें. क्लास डायनेमिक्स. क्लास डायनेमिक्स का मतलब कक्षा की गतिशीलता. गेम्स आर एक्सट्रीमली स्टूडेंट सेंटर्ड. फैक्ट है कि जो गेम्स हैं वो क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड ही होते हैं. क्योंकि मेन रोल क्या होता है, स्टूडेंट का होता है कि स्टूडेंट कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं. द टीचर एक्ट्स ओनली एज फैसिलिटेटर. टीचर इज जस्ट लाइक अ फैसिलिटेटर. टीचर कैन गाइड, टीचर कैन मेक द ऑब्जेक्ट्स, कैन हेल्प देम इन देयर लर्निंग व्हाट द थिंग्स दे आर गोइंग प्लान्ड, लेकिन वो सिर्फ उनकी हेल्प करेगा. दे कैन फोस्टर होल क्लास पार्टिसिपेशन. यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि टीचर को इंकरेज करना है कि सबका पार्टिसिपेशन हो. इट्स नॉट नेसेसरी ओनली फ्यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट गेम एंड सम स्टूडेंट्स आर आइडल जस्ट वॉचिंग एंड दे आर ओनली लिसनिंग. तो ये चीज़ इतनी इफेक्टिव, इतनी कारगर नहीं होगी जितनी कि होल क्लास का पार्टिसिपेशन अगर गेम में हो रहा है तो बच्चे उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे और दे ऑल विल इन्जॉय. गेम्स प्रमोट हेल्दी कॉम्पिटिशन. गेम्स हमेशा ही एक हेल्दी कॉम्पिटिशन प्रमोट करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक कॉम्पिटिशन तो होता है, हमेशा ही होता है, लेकिन वो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है. अगर कोई बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या वो नहीं बोल पा रहा है तो टीचर या उसके फ्रेंड उसको इंकरेज करते हैं बोलने के लिए, उसका हेजिटेशन दूर करने के लिए उसको इंकरेज करेंगे, उसको मोटिवेट किया जाएगा. तो यहाँ पर एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है. यहाँ पर ये नहीं है कि अरे उसने नहीं बोला तो हम उसकी लैग पुलिंग कर रहे हैं या हम उसको वी आर सेइंग बैड अबाउट इट कि यू आर वीक. नो, वी जस्ट इंकरेज दैट चाइल्ड. तो यहाँ पर क्लास हमारी एक बहुत गतिशील क्लास होती है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बहुत हेल्दी लर्निंग एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करते हैं. इसके बाद जो हमारा आता है एडेप्टेबिलिटी, अनुकूल क्षमता. गेम्स कैन बी इजिली एडजस्टेड फॉर एज लेवल एंड इंटरेस्ट. यानी कि गेम्स जो हैं वो हमारे लिए इन डिपेंड ऑन द ऑल द एजेस. ऐसा नहीं कि लोअर क्लास में, कभी कभी अपर क्लास के लिए भी हम गेम कंडक्ट कर सकते हैं. तो ये सभी क्लास के लिए और सभी एज ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पर सब बच्चे बहुत ईजिली एडजस्ट हो जाते हैं. दे यूटिलाइज ऑल फोर स्किल्स, जैसे कि जो हमारी स्किल्स हैं, वी आर हैविंग फोर स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो जब गेम्स के द्वारा हमारा लैंग्वेज गेम हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारी वो चारों स्किल भी डेवलप हो रही हैं, क्योंकि बच्चा सुन रहा है, बोल भी रहा है, उसको कभी कभी हम कुछ लिखने वाली एक्टिविटीज़ करा रहे हैं,
कहीं पे स्पीकिंग हो रही है, रीडिंग की भी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ उसको बोल दिया गया लिख रहा है, जैसे कि पहले के क्लास में होता था कि टीचर ने क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया ग्रामर के रूल्स या कुछ भी इंग्लिश में पैराग्राफ लिख दिया, बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो सुन रहा है, समझ रहा है, उसके बाद उसको स्पीक कर रहा है, उसको बोलने की क्षमता का भी विकास हो रहा है, और उसके बाद उसकी रीडिंग स्किल भी डेवलप हो रही है, एंड आफ्टर दैट देयर राइटिंग स्किल्स, वो उसको लिख भी पा रहे हैं। नाउ सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज गेम्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, थोड़ा सा इन पे ही फोकस कर लेते हैं। अचीव फंक्शनल प्रोफिशिएंसी इन लिसनिंग, फंक्शनल प्रोफिशिएंसी इन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि अभी मैंने जो बात की थी हमारी फोर स्किल्स की, तो हम हमारा मेन उद्देश्य लैंग्वेज गेम का ये है कि उन चारों स्किल्स को डेवलप करना। टू एग्जीक्यूट इंटरेस्ट इन लर्निंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक टीचर का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि वो इंटरेस्ट क्रिएट करे सीखने का, एक जो इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर हमने वो इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया बच्चों में, तो श्योर है कि हम कुछ भी उनको सिखा सकते हैं। तो लैंग्वेज गेम एक बहुत ईजीएस्ट वे है कि उनमें ये उत्सुकता हो, उनमें जिज्ञासा हो सीखने की। टू हेल्प द पीपल लर्न द टारगेट लैंग्वेज इन अ प्लेफुल वे, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये प्लेफुल वे मेथड है। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, तो आजकल बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर हम जब प्लेफुल मेथड से स्टार्ट करते हैं टीचिंग, तो हमारे लिए हम उस टारगेट को बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं। टू मेक द क्लासरूम लाइवली, और हमारी क्लास बोर नहीं होती है। क्या होता है, बच्चे सिर्फ लेक्चर टीचर दे रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, इंक्लूसिव लिसनर बनकर, तो वो चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर क्लास लाइवली है, सब बोल रहे हैं, सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबका एक रोल है, तो इसलिए क्लासरूम बहुत ही इंथुजियास्टिक एंड फुल ऑफ लर्निंग कह सकते हैं इसको। टू टीच और टेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ वोकैबुलरी, लैंग्वेज गेम्स सिर्फ ये नहीं है कि उनको हम प्ले करा रहे हैं, वो सीख रहे हैं। यहाँ पर हम उनको टेस्ट भी कर सकते हैं, एसेस भी कर सकते हैं कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा, वो आउटकम कहाँ तक उसने अचीव किया। बहुत सारे तरीके हैं, टीचर अगर प्लान्ड तरीके से लैंग्वेज गेम क्लास में कंडक्ट कराता है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके सामने आएंगे जो वो जज भी कर सकता है, उनका इवेल्युएशन भी कर सकता है कि वो उस चीज़ तक कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। जो उसने मेथड अडॉप्ट किया है अपनी क्लास में लैंग्वेज गेम को, क्या वो उसके लिए फ्रूटफुल हुआ है, क्या सारे बच्चे वो टारगेट तक अचीव कर पाए हैं। अगर यहाँ पे कोई वीकनेस आ जाती है, अगर वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं, तो टीचर फिर से एक नई प्लानिंग के साथ कुछ नए इफेक्टिव वे से लैंग्वेज गेम कंडक्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो है, इट कैन टेस्ट और इट कैन इवेल्युएट ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। नाउ सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज गेम्स, आई हैव रिटन फ्यू ऑफ देम। स्पीकिंग गेम्स, स्पीकिंग गेम्स में क्या है, बच्चों को हम बोलने का अवसर दें, वी आर गिविंग चांस टू ऑल द स्टूडेंट टू स्पीक। इट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन, और वी कैन आस्क स्मॉल क्वेश्चंस टू देम लाइक दिस। स्पेलिंग गेम्स, स्पेलिंग गेम्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। बच्चे अक्सर ही मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग्स में, तो यहाँ पर अगर हम स्पेलिंग गेम्स इफ़ यू आर कंडक्टेड इन द क्लास, देन दे कैन लर्न स्पेलिंग्स। राइटिंग गेम्स, इट विल इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स। लिसनिंग गेम्स, लिसनिंग गेम्स जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सेड इन द क्लास, लिसन केयरफुली, लिसन प्रॉपरली, देन दे शुड कम टू नो वाई दे शुड लिसन केयरफुली। यहाँ पर इस लिसनिंग स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये बच्चों में डेवलप होना चाहिए कि वो ध्यान से सुने। इफ दे आर एबल टू हियर प्रॉपरली, देन ओनली दे कैन एग्जीक्यूट वॉट दे हैव लर्न, वॉट द टीचर टॉट टू दैम। क्वेश्चन गेम्स, यहाँ पर वी आस्क डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। रिडल्स एंड पजल्स, सबसे ज़्यादा जो बच्चे इंजॉय करते हैं वो है रिडल्स एंड पजल्स। जब उनके सामने बहुत सारी पहेलियाँ पूछी जाती हैं, बहुत सारे क्वेश्चनिंग फॉर्म में उस तरीके से, तो दे इंजॉय लॉट। ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि टीचर बहुत ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करे लैंग्वेज के कि वो लर्न कर सकें। गैसिंग गेम्स, यहाँ पर उनकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है। सेंटेंस कम्प्लीशन गेम्स, स्टोरी कम्प्लीशन गेम्स, यहाँ पर इस तरह के गेम्स अगर हम करा रहे हैं, सेंटेंस बोल दिया कोई हमने, या स्टोरी का एक कैरेक्टर सेड अ क्रो एंड सेकेंड स्टूडेंट से अ लॉयन, तो इस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं क्लास में, एंड दे आर लर्निंग न्यू एनिमल्स नेम्स ऑल्सो, और वो एक स्टोरी को भी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है।
रिवीज गेम्स, यहाँ पे हम रिवाइज करा सकते हैं। अगर हमने कोई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्लास में पढ़ाया है तो उसको रिवाइज करा सकते हैं, चाहे वो पोइम्स का हो या नंबर्स का हो, इंग्लिश में नंबर्स हम उनको लर्न कराते हैं, स्पेलिंग्स का हो। तो दिस टाइप ऑफ गेम्स वी कैन कंडक्ट इन द क्लास, वी कैन मेक देम यूजफुल फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स। सो नाउ नाउ हियर आई टोल्ड यू अबाउट द रोल ऑफ अ टीचर टू चूज गेम्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर अ टीचर कंडक्ट लैंग्वेज गेम इन द क्लास, ही शुड प्लान एवरीथिंग वेल। उसको पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए कि क्या वो अच्छे से करा पाएगी। तो अ गेम मस्ट बी मोर देन फन। गेम जो है सिर्फ फन के लिए नहीं होना चाहिए, जबकि उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि उसका आउटकम भी उतना निकलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अ गेम शुड इन्वॉल्व फ्रेंडली कॉम्पिटिशन। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि एक फ्रेंडली कॉम्पिटिशन हो, वहाँ पर बच्चे एक दूसरे से ईजली बात करें और बहुत फ्रेंडली वे में एक दूसरे को टॉक की बात को समझें, कहाँ पे क्या कमी हो रही है उसको दूर किया जाए। इट शुड कीप ऑल द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व एंड इंटरेस्टेड। टीचर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे कि सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से उस गेम में पार्टिसिपेट करें। दे ऑल मस्ट इन्वॉल्व इन दैट प्रोग्राम, इन दैट लैंग्वेज गेम, एंड दे ऑल्सो हैव इंटरेस्ट इन इट। उनमें वो इंटरेस्ट भी क्रिएट हो सके। प्लान टू यूज़ अ गेम That will allow your students to meet learning objectives. जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे जो objectives हैं, हमारे जो उद्देश्य हो, उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो plannings हो regarding the language game, वो ऐसी हो कि हम ये सोचें कि हर बच्चा उस object तक पहुँच सके, वो सब achieve कर सके जो एक teacher ने plan किया है। It should encourage students to focus on the use of language rather than on the language itself. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट मस्ट गिव मोर टाइम फॉर लर्निंग द लैंग्वेज। उसको भाषा को सीखने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। अ गेम शुड गिव स्टूडेंट्स अ चांस टू लर्न, प्रैक्टिस और रिव्यू स्पेसिफिक लैंग्वेज मटेरियल। बच्चे को एक अवसर मिलना चाहिए सीखने का भी, प्रैक्टिस करने का भी, और उसको रिवाइज करने का भी। अगर हम इन सारे बिंदुओं का ध्यान रखें तो मैं समझती हूँ कि लैंग्वेज गेम बहुत अच्छा तरीका है इंग्लिश को सिखाने का। वी कैन ईजली मेक देम लर्न इंग्लिश इन ए वेरी इफेक्टिव वे। हेयर आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ गेम वी कैन कंडक्ट इन द क्लास। इट इज़ अ मेमोरी गेम एज आई प्लान्ड हियर। फर्स्ट इज हियर वन स्टूडेंट सेज अ सेंटेंस, then students say the same sentence and then add something. After that, once someone forget what was said or cannot add something, he or she is out of the game. ये एक तीन इसके रूल्स बना दिए गए हैं। टीचर सबसे पहले एक रूल बनाएगा कि सबसे पहले एक स्टूडेंट एक सेंटेंस बोलेगा, उसके बाद दूसरा उसमें कुछ शब्दों को जोड़ेगा, और लास्ट है कि अगर बच्चा शब्द को नहीं जोड़ पा रहा है या नहीं बता पा रहा है तो ही और शी इज़ आउट ऑफ द गेम। See here the example है। First student said, I went shopping. Second student said, I went shopping and bought a jacket. उसने उसको add किया यहाँ पे। Third student ने कहा, I went shopping and bought a jacket and a cup. तो in this way, this may create like this. Class में सब बच्चों को एक बोलने का अवसर मिलेगा। They will get a chance to learn. And not only this much, teacher will also come to know how much their vocabulary has been improved. So this way we can conduct different types of games in the class. और मैं समझती हूँ language game बहुत easily कराया जा सकता है, बहुत organized way में, बहुत planned तरीके से। Okay, now let's see the conclusion. Game is one of the tools or the way that can be used by the teachers to engage the students during the variation of classroom activities. Teacher may select the types of games according to the students' need, proficiency, topic and even learning style. Both digital and non-digital or offline and online game may be enhance the students' learning. देखा जाए तो जो गेम्स हैं, इट इज़ वन ऑफ द टूल, ये एक माध्यम है जिससे के द्वारा टीचर्स सब बच्चों को इंगेज कर सकता है एक क्लासरूम में, उन एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकता है जो उसके लिए लर्निंग होंगी, जिससे वो सीखेगा, कुछ नया इनोवेटिव वे होगा और वो बहुत कुछ सीख जाएगा। टीचर में सेलेक्ट डिफरेंट टाइप्स, तो कोई भी गेम सेलेक्ट किया जा सकता। इट डिपेंड्स अपॉन द नीड्स एंड द रिक्वायरमेंट्स।
ये कोई जरूरी नहीं है कि हम रोज स्पीकिंग ही करा रहे हैं, हम बहुत कोई भी गेम करा सकते हैं, इट मे बी इन डिजिटल वे ऑल्सो और नॉन डिजिटल वे, ऑफलाइन ऑनलाइन। से आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी आगे हो गई और हम लोग क्लास में भी इसको यूज़ करने लगे हैं, तो हम इस तरीके से डिजिटल वे में गेम्स को अच्छे से करा सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स कि आज हमारे बच्चे में क्या चीज़ हम देखना चाहेंगे, कौन से स्किल को लेके आज हम उस को प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि उसकी प्लानिंग फॉर द गेम इट मस्ट बी इन द बेस्ट वे, सो दैट वॉट द टारगेट, वॉट द एम बिहाइंड इट, वी कैन ईजली अचीव आवर टारगेट फॉर कंडक्टिंग द लैंग्वेज गेम क्लास। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन थैंक्स ऑल।